नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GS with कैलाश सर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए रेलवे SSC टेट सुपर टेट आदि एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए साइंस की प्रैक्टिस सीट लाई जाती है। आज हम इसका 27वां सेट डिस्कस करने वाले हैं और पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि आज के जो क्वेश्चन होंगे वो सभी ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? आज का पहला क्वेश्चन जो है, बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मा जैविकी, खगोलशास्त्र, ज्योतिष विज्ञान या ब्रह्मांड विज्ञान? तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड का अध्ययन जो होता है यह कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन सा है? देखिए, कोई भी वस्तु दो प्रकार की गतियां करती है। जैसे हम पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी एक तो घूर्णन गति करती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, और दूसरा जो होता है यह सूर्य के चारों ओर गति करती है। तो घूर्णन और परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला जो आकाशीय पिंड है वो कौन सा कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, चंद्रमा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा है जो सूर्य के सर्वाधिक पास है? ध्रुव तारा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक? तो जो सही आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का, ये हो जाएगा बी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सर्वाधिक समीप तारा जो है उसे प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? धूमकेतु, उल्का, स्वार्क या अभिनव तारा? फोर्थ क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? धूमकेतु, उल्का, स्वार्क, अभिनव तारा? सही आंसर हो जाएगा डी, अभिनव तारा। पांचवा क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या 90? तो हमारे अंतरिक्ष में जो तारामंडलों की कुल संख्या है वो हो जाती है 89। हमारी आकाशगंगा की आकृति है, तो हमारी जो आकाशगंगा है यह किस आकृति की है, इसका आकार कैसा है? तो हम जानते हैं हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी तथा दुग्ध मेखला अर्थात मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, और इसका जो आकार है वह स्पाइरल आकार है। सातवां क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी जो आकाशगंगा है जिसे दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, इसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? आंसर होगा सी, 25 करोड़ वर्ष। आठवां क्वेश्चन, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर या पश्चिम की ओर? तो हम देखते हैं रात्रि में उत्तर की ओर दिखने वाले तारे को ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है। नौवां क्वेश्चन, तारे के रंग का सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का या उसके ताप का? तो तारे का रंग किसका सूचक होता है? आंसर होगा डी, उसके ताप का। नौवां क्वेश्चन, वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु है, वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु क्या है? 25 मिलियन वर्ष, 50 मिलियन वर्ष, 125 मिलियन वर्ष या फिर 13 बिलियन वर्ष? तो वर्तमान आकलन के अनुसार जो पृथ्वी की आयु है यह लगभग 13.7 अरब वर्ष है, यानी आंसर हो जाएगा 13 बिलियन वर्ष लगभग। मोटे तौर पर हम इसे देखते हैं, जो पृथ्वी की, ब्रह्मांड की जो आयु मानी गई है यह मानी गई है लगभग 14.7 या 15 अरब वर्ष। इसमें जो आंसर दिया है इनमें से आंसर सही हो जाएगा 13 बिलियन वर्ष। 11वां क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनामो या लघु नाभिकीय रिएक्टर? तो इसका सही आंसर होगा बी, सौर सेल। 12वां क्वेश्चन, दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है सौरमंडल का एक ग्रह, एक तारा, एक मंदाकिनी या फिर एक तारामंडल? तो 12वां क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा, दुग्ध मेखला हमारी आकाशगंगा को कहा जाता है और आकाशगंगा का ही जो पर्यायवाची होता है वो होता है मंदाकिनी। तो दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी यानी आकाशगंगा।
13वां क्वेश्चन, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगें छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगें छोड़ते हैं, इन्हें हम पल्सर तारों के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा ए, पल्सर तारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है कितना? शनि ग्रह जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? देखिए, शनि ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, तथा शनि ही ऐसा ग्रह है जिसमें सर्वाधिक वलय पाए जाते हैं, जिसके चारों ओर रिंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 29.5 वर्ष। 15वां क्वेश्चन, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि? तो इवनिंग स्टार के नाम से हम शुक्र ग्रह को जानते हैं। इसे सुबह का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है तथा इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल या फिर जलमंडल? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और देखा जाए तो पृथ्वी के चारों तरफ ये जो परतें पाई जाती हैं वायुमंडल की, यह 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। सबसे पहली जो परत होती है वो क्षोभमंडल होती है, और इसके बाद में बाकी परतें स्टार्ट होती हैं, और लगभग 1000 किलोमीटर तक पृथ्वी के वायुमंडल पाया जाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो समूह है यह वायुमंडल कहलाता है। इसके अलग अलग भागों के नाम हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं, जबकि वायुयान जो उड़ते हैं और ओजोन परत जो पाई जाती है वह मंडल आपका समतापमंडल है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? यूरेनस ग्रह जो है यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है? 17th क्वेश्चन। आंसर होगा ए, 84 वर्ष। 18वां क्वेश्चन, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता है? सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता दिखाई पड़ता है? 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, 22 दिसंबर को? तो जो 18th क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा बी, 21 मार्च को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है अर्थात सबसे छोटी रात भी इसी दिन होगी, तो 19th क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 21 जून को। 20वां क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, अमावस्या के दिन, किसी भी दिन या पूर्णिमा को? तो 20वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण जो होता है यह अमावस्या के दिन होता है। 21वां क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के पृथ्वी के निकटतम है? यहाँ पूछा गया है पृथ्वी के निकटतम, अगर सूर्य के निकटतम पूछा जाएगा तो बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है, लेकिन यहाँ पूछा गया कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। तो हम जानते हैं जो पृथ्वी है यह शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच में स्थित है, और इनमें से पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह शुक्र ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 22वां क्वेश्चन, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 88 दिनों में। 23वां क्वेश्चन, आकाश में सबसे चमकदार तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, वर्नार्ड, नेबुला या सीरियस? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा जो होता है यह कौन सा हो जाता है? 23 क्वेश्चन, आंसर होगा डी, सीरियस। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा होता है 42 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है विषुवतीय व्यास से कितना कम हो जाता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है यह विषुवतीय व्यास से कितना कम हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 42 किलोमीटर, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होता है यह 12714 किलोमीटर होता है, जबकि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो होता है, पृथ्वी का विषुवतीय जो व्यास होता है यह कितना होता है?
तो यह इससे 42 किलोमीटर अधिक होता है, 12,756 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है, मर्क्यूरी, शुक्र, नेपच्यून या फिर मार्स? तो 25वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, शुक्र ग्रह। सबसे चमकदार ग्रह जो है यह शुक्र ग्रह है। 26वां क्वेश्चन, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? 26वां क्वेश्चन, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला जो ग्रह है ये हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर और अपसौर की दो स्थितियां होती हैं। पृथ्वी जब सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है तो उसे पेरिहीलियन अर्थात उपसौर कहा जाता है, और यह स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी को। जबकि उपसौर जो स्थिति है, ये उपसौर हमने डिस्कस कर ली जनवरी 3 को, और अपसौर जो स्थिति होती है वह एपिहीलियन के नाम से जानते हैं हम उसे, और तब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, और यह स्थिति जो है 4 जुलाई को बनती है। 28वां क्वेश्चन, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, अरुण, शुक्र, ई और बी दोनों, या फिर वरुण, नेपच्यून? तो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 28 क्वेश्चन, अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं, अर्थात यहाँ पर जो सूर्य होता है वो पश्चिम से उगता हुआ प्रतीत होता है। इनके अलावा अन्य सभी जो ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। 29वां क्वेश्चन, जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषु वर्ष के दो काल होते हैं, इक्विनॉक्स पूछा गया है, जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषु वर्ष के दो काल होते हैं, 21 मार्च 23 सितंबर, 22 फरवरी 23 सितंबर, 15 अक्टूबर 13 अप्रैल, या फिर 22 जुलाई और 22 सितंबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हम देखेंगे, विषुव यानी जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो यह किस पे और होती है, यह भूमध्य रेखा पर होती है, इसी वजह से भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, और यह कंडीशन 21 मार्च और 23 सितंबर को दो बार क्रिएट होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी यानी शांति का सागर कहाँ पर है, पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति या फिर चंद्रमा? तो आंसर हो जाएगा डी, चंद्रमा पर। शांति का सागर यानी सी ऑफ ट्रैक्विलिटी जो होता है यह चंद्रमा पर स्थित है। आँखों से दिखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? आँखों से दिखने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम जो होता है इसे चारविष्टा के नाम से जाना जाता है। 32वां क्वेश्चन, सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? आंसर होगा बी, शुक्र का। 33वां क्वेश्चन, राशियों की कुल संख्या है 10, 11, 12 या फिर 13? तो 33 क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, 12। राशियों की कुल संख्या 12 है। दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, वे कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है? तो इनमें से जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी, बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, देखिए सूर्य के सबसे पास जो स्थित ग्रह है वह बुध है, लेकिन बुध पर वायुमंडल न होने के कारण बुध दिन में तो बहुत गर्म हो जाता है और रात्रि में बहुत ठंडा हो जाता है, तो यह सर्वाधिक गर्म ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। तो सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है, यह सबसे चमकीला ग्रह भी है, इसे सूरज का सांझ का तारा तथा सुबह का तारा भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह जो है इनमें से कौन सा है? 36 क्वेश्चन, देखिए प्लूटो को अब ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया, 2006 से इसका ग्रह का दर्जा छीन गया है, तो अब देखा जाएगा तो कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है? तो आंसर हो जाएगा नेपच्यून। पृथ्वी से पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह, 37 क्वेश्चन, आंसर होगा डी, ए तथा बी दोनों। शुक्र और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। 38वां क्वेश्चन, प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है?
प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? प्रकाश की गति जो होती है यह 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसे हम 3×10^8 मीटर पर सेकंड के नाम से भी जानते हैं। तो हम देखेंगे कि वहाँ तक पहुँच मतलब इस गति से चंद्रमा पर पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो मात्र 13 सेकंड में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पल्सर क्या होता है? हम ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं, 13वें क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगें छोड़ते हैं पल्सर तारे कहलाते हैं। और यहाँ पूछा गया पल्सर क्या होता है, तो पल्सर जो होता है यह न्यूट्रॉन तारा, निहारिका, ब्लैक होल या श्वेत बावन तारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यह एक न्यूट्रॉन तारा है। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।